दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और मैं एक बार पुनः आपके साथ में लक्ष्मीकांत पंडित। दोस्तों अनलॉक का पहला दिन, लॉकडाउन 5 जिसको आप कह सकते हैं, उसका पहला दिन और बहुत सारी छूट और रियायतों के साथ का पहला दिन शुरू हो चुका है। और अब आपको तय करना है कि आप किस क्षेत्र में हैं और किस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं, खासकर वो सारी एहतियात उठाकर या रख कर, ताकि कोरोना संक्रमण से आप बच सकें। अभी यह संकट टला नहीं है। कल भी 53 केस इंदौर में सामने आए हैं, 3-4 मौत हुई है और एक बार भारत में फिर आंकड़ा बढ़ा है। दरअसल हम कोरोना कोरोना करते हैं, इसका कारण हमारा यही है कि हम सचेत होना चाहते हैं, खुद को अपडेट रखना चाहते हैं कि एक ऐसी बीमारी जो हमारे आसपास पनप रही है, जो हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है, हम उसके प्रति जागरूक रहें। सामान्य जीवन को पटरी पर आने में अभी भी कम से कम से 3-4 महीने लग जाएंगे। आपको लगता है कि छूट बढ़ रही है, लेकिन छूट के साथ में उस तरह का व्यवहार का आना अभी बहुत दूर की बात है, क्योंकि हमें काफ़ी संभल कर रहना है और दूसरों की रक्षा करते हुए खुद की भी रक्षा करना है। आज विश्व दूध दिवस है और एक जगह कहीं मैंने पढ़ा है आज मधुमक्खी दिवस भी है। और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा विशेष दिन होता है जो मानव और मानवता के प्रति सद्भाव रखने वाले या उनके काम के प्रति समर्पण का दिन होता है, ताकि हम उनको मना सकें और उन चीज़ों के प्रति अपना आदर भाव सम्मान प्रकट कर सकें। दोस्तों काफ़ी कुछ बातें आज से शुरू हो जाएगी, काफ़ी कुछ काम शुरू हो जाएगा। आप जहाँ भी रहे, घर में रहे, बाहर रहे, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें और देश की और खुद की प्रगति के लिए काम करते रहें। उम्मीद है कि हम एक बार पुनः फिर मुलाकात करेंगे आपसे जल्दी किसी नए विषय के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।